हेलो बच्चों, मैं जीतू तनवर, विनिंग इज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था, ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, कृपया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए क्वेश्चन पर। देखो, हमारा क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन किस पर्पस से, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है कंट्री के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर, और इसके इसकी अचीवमेंट्स, सफलता या विफलता क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो आपके घरों के अंदर भी, या नॉर्मल जो फैमिलीज होती है उनके अंदर किस तरह से ये प्लानिंग करते हैं। आपने सुना होगा बजट। अब क्या होता है, देखो मंथली सैलरी बाद में आती है हमारी फैमिली की, उससे पहले हम खर्चे सोचते हैं कि पैसा आएगा तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ यहाँ पे कम करेंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे, ट्यूशन फीस भरनी है, स्कूल फीस भरनी है, ये कार लानी है, स्कूटी लानी है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है। इस टाइप से हमारी प्लानिंग हो जाती है कि मतलब यहाँ से इनकम आएगी और यहाँ से खर्चे होंगे। ठीक है, तो एक तरह से आप भी तो इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हो, पैसों को लेके प्लानिंग कर रहे हो, चीज़ों को लेके प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आने वाले सिचुएशन को कोई कमी ना आ रहे हमारे रिसोर्सिस में, या फिर हम जो सोच रहे हैं उसमें गैप ना आए, जैसा हमने प्लान किया और जैसा हमने सोचा इसमें गैप ना आए, बराबर, दोनों इक्वल रहे। इक्वल करने के लिए जो सोचा जाता है, जो प्लान बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, ये घरों में भी होता है, देश के अंदर भी होता है, अर्थव्यवस्था में होता है, और पूरा विश्व करता है ये, कि इतनी इनकम आएगी, इतने पैसे यहाँ लगेंगे, हमें ये पर्पस पूरे करने हैं, लोगों की डिजायर्स को, लोगों के डिमांड्स को पूरा करना है, किस तरह सेटिस्फाई करना है सबको इक्वल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई थी वो 1951 से शुरू हुई थी। अब आप बोलोगे 1951 ही क्यों, पहले या बाद में क्यों नहीं। आप सब जानते हो कि इंडिया ब्रिटिश के अंडर गुलाम था। ठीक है, तो हमारे आज़ादी मिलने में, फिर हमारा संविधान बनने में, सब कुछ होने में करीब 1950 तक पहुंच गए थे हम। 47 में हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद संविधान वगैरह तैयार हुए, उसके बाद हमने 1 अप्रैल 1951 को इकोनॉमिक प्लानिंग करना शुरू करा। अब इकोनॉमिक प्लानिंग हमने क्यों किया, क्योंकि देखो हमारे जो रिसोर्सेस थे, जो हमारा पैसा था, जो भी हमारे इकोनॉमिक या फिजिकल रिसोर्सेस जो भी थे, उनको किस तरह पुट करना है, देश को किस तरह आगे बढ़ाना है, उसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी। तो हमने, हमारे देश ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि हाँ इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करते हैं। और क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर्स प्लान होते हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर चलते हैं। कोई पर्पस लेते हैं कि इस काम को पूरा करेंगे, प्लान बनाया। ठीक है, 5 साल बाद उसको चेक करते हैं कि कितना प्लान, कितना काम पूरा हुआ। ठीक है, तो पहले प्लानिंग, 5 साल बाद कंक्लूजन, फिर जो रह जाता है कि हमने सोचा था कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 20 लोगों को रोजगार देंगे, 20 लोगों को रोजगार देंगे, हमने 18 को रोजगार दे दिया 5 साल के एंड तक, 2 रह गए, तो 2 को अगली पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान में डाल देते हैं कि बाकी 2 को अगले में देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये होती है प्लानिंग, होती है कि क्या सोचा और लास्ट में क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस, या तो फेवरेबल आता है या अनफेवरेबल आता है। ठीक है, मतलब अगर इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है तो सरप्लस होता है, फायदा। अगर इनकम कम हुई, खर्चे ज़्यादा हुए, तो डेफिसिट होता है, घाटा। ठीक है, वो तो बाद की बात है, पहले हम टॉपिक देखते हैं अपना। तो देखो हमारे उद्देश्य क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग करने के। फर्स्ट, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग करने का फर्स्ट पॉइंट होता है आर्थिक विकास, जो जिस चीज़ की हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हमारा देश गुलामी सह सह कर इतना कमज़ोर, इतना वीक, इतने आर्थिक तंगी से गुजर रहा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इकोनॉमिक प्लानिंग की। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी देश को, आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति स्ट्रोंग करनी है, देश का आर्थिक विकास करना है। वो कैसे होगा, फर्स्ट पहले देश से गरीबी मिटाओ। पर सर, गरीबी कैसे मिटती है, गरीबी को हटा दे? नहीं भाई, गरीबी को हटाने से गरीबी नहीं मिटती,
गरीबों को रोजगार दो, जब बेरोजगारी फैल रही है ना उसको खत्म करो। अब देखो दो तरीके होते हैं गरीबी हटाने के, पहली बात तो गरीबों को हटा दो, ठीक है, ये तो होता है तानाशाह जगहों पे, जो लोग तानाशाह होते हैं वो करते हैं ऐसा, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लोकतांत्रिक देश हैं। तो हम क्या करेंगे, गरीबों को ना हटाकर हम गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे, रोजगार देकर उनको, जो यहाँ बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करके, ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके। सर राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होती है भाई, सिंपल सी बात है यार, आप प्रति व्यक्ति आय बढ़ाओगे, हर किसी आदमी को रोजगार दोगे वो पैसा कमाएगा, और हम लोगों की इनकम को जोड़कर ही तो राष्ट्रीय आय बनती है, हम देशवासियों की इनकम को जोड़ के ही तो राष्ट्रीय आय बनती है, ठीक है। तो सबको रोजगार दिया तो सबको रोजगार मिलने से इनकम जनरेट हुई, इनकम बढ़ी तो राष्ट्रीय आय बढ़ गई, सिंपल। तो धीरे धीरे राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक विकास भी होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आत्मनिर्भरता। अब देखो आजकल आप आत्मनिर्भरता बहुत सुन रहे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बता रहे थे आत्मनिर्भर रहने का मंत्र, कि आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अब देखते हैं कौन कैसे आत्मनिर्भर रहता है, ठीक है, बट यहाँ पे देश के मामले में आत्मनिर्भरता से क्या मतलब है। देखो फ्रेंकली स्पीकिंग, वर्ल्ड में कोई देश कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना अल्प विकसित है, अंडर डेवलप है, कितना विकसित है, डेवलप्ड है, हर कोई किसी न किसी सिचुएशन में किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर है, आत्मनिर्भर कोई नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि कोई कम है कोई ज्यादा है, ठीक है, अमेरिका इतना अमीर देश है लेकिन फिर भी कुछ रिसोर्सेज, कुछ चीजों के लिए वो बाकी देशों पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी जो अल्प विकसित देश है और जो विकासशील देश है, जैसे विकासशील इंडिया, हम भी कुछ चीजों के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कुछ हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम सब कुछ खुद प्रोड्यूस कर लेंगे, कुछ ही खुद ही सब कुछ बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी सामान के लिए हमें जरूरत पड़ती है विदेशों की, वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड हमें हमारा साथ दे और हम वर्ल्ड का साथ देते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं, पहला विदेशी सहायता। देखो अपने देश के नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने देश के खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने देश की तंगी का सामना करने के लिए, जिन देशों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो विदेशों से सहायता लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान है, मैंने सुना था कि पाकिस्तान कुछ अमाउंट अमेरिका से लेता था अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम को बनाए रखने के लिए, या अपने देश के इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करने के लिए, ठीक है। बाकी इंडिया भी कई बार WTO से लेता उधार, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से उधार लेता है। तो हर देश किसी ना किसी स्थिति में दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है, बट हाँ जरूरत क्या है, जरूरत है इस चीज को कम करने की, कि आत्मनिर्भरता घटाने की। अब देखो हमें विदेशी सहायता कम करनी पड़ेगी, ये कैसे कम होगी, जब हमारे देश के अंदर लोग सारे रोजगार होंगे, सबके पास अपना काम होगा, सबके पास अच्छा पैसा होगा, तो राष्ट्रीय बढ़ेगी, राष्ट्रीय बढ़ेगी तो बाहर से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बाहर से मशीनें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही मशीन बनाएंगे, जैसे कि मेक इन इंडिया के अंदर चल रहा है, ठीक है, हम ज्यादातर सामान पर फोकस कर रहे हैं कि खुद ही बनाए, ठीक है। नेक्स्ट आयात में कमी, मैंने बताया कि बाहर से सामान मंगाना कम करना, अपने ही देश के अंदर प्रोड्यूस करना, इस चीज़ पर फोकस करेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। निर्यात को प्रोत्साहन, हमारे देश के अंदर कई सारी चीज़ें, ज़्यादातर फसलें ऐसी होती है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा चावल पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, हमारा जूट उत्पादन पूरे वर्ल्ड को भेजते हैं, ठीक है। तो देखो अब तो हम हथियार भी बेचने लग गए हैं वर्ल्ड को, मशीनें बेचने लग गए हैं, अब इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया, हम काफ़ी चीज़ें वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं काफ़ी, तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है। तो देखो निर्यात को प्रोत्साहन, निर्यात को प्रोत्साहन कैसे, हम बोलेंगे हमें ना इतना प्रोड्यूस करना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि अपना देश, अपने देश की जरूरत पूरी कर सके, हम बाहर भी भेज सके, ताकि विदेशी मुद्रा हम इकट्ठी कर सके, हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ जाए। थर्ड सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय समाज के लिए न्याय, ठीक है, सोशल जस्टिस। अब देखो सोशल जस्टिस क्या, समाज के लिए, जैसे आय की विषमता, इनइक्वालिटी इन इनकम। अब देखो ये तो आप जानते हो, आप इंडिया में रहते हो ना तो आप जानते हो कि इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है, मैंने बताया था पहले भी आपको कि एक तो मुकेश अंबानी है जो इतना अमीर है कि वर्ल्ड में टॉप रिचेस्ट में नाम आता है उसका, और एक हमारे यहाँ रिक्शे वाले भी है जो ऐसे होते हैं कि अगर आज सुबह रोटी खा लेंगे ना तो
तो उन्हें ये नहीं पता होता कि अगले अब रात को रोटी नसीब होगी नहीं होगी, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमें एक दिन भूखा रहना पड़ जाएगा पूरे दिन। तो उनके लिए महीने में कई दिन फास्ट होते हैं, व्रत होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम जनरेट नहीं हो पाती। तो हम तो फास्ट रखते हैं खुद अपनी मर्जी से, उनकी स्थिति ऐसी होती है वो ना ऑटोमेटिक फास्ट हो जाता है उनका, जब खाना नहीं मिलेगा आपको पूरे दिन भूखे रहेंगे तो फास्ट हो ही जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हालात है। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मुकेश अंबानी जी की गलती वो अमीर है या रिक्शा वाली गलती वो गरीब है, नहीं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको आर्थिक विषमता, कि हमारे देश के अंदर आर्थिक विषमता बहुत है। अगर हमारे देश को विकास करना है तो आर्थिक विषमता को घटाना होगा, और ये कैसे घटेगी, रोजगार उत्पन्न करके। नेक्स्ट, बेरोजगारी भी निर्धनता, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। हमारे देश के अंदर पॉवर्टी का लेवल बहुत ज्यादा है। हमारे देश में, हमारे देश की 50% के आसपास आबादी पॉवर्टी में गुजर रही है, और 50% से थोड़ी कम आबादी ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन पे इतना कम पैसा आता है कि वो सिर्फ बेसिक नीड्स भी बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं, अपनी बेसिक नीड्स भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती है उनकी। इसे कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इस चीज को कम करना होगा। आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, आर्थिक सत्ता मतलब देश के कुछ लोगों के पास या देश के कुछ हिस्सों वर्ग के पास देश की सारी संपत्ति, सारी आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध है। तो इस चीज को हमें विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। अभी केंद्रीकरण मतलब सीमित है, देश के रिसोर्सेज, आर्थिक चीजें वो कुछ ही लोगों के पास सीमित है, तो इसको वहां से उनसे लेकर सब में बांटना होगा। जब तक सत्ता, आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तब तक लोगों के पास सुविधाएं पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। फोर्थ, रोजगार। मैंने आपको बताया रोजगार को बढ़ावा देना पड़ेगा, और रोजगार को बढ़ावा कैसे देंगे, उद्योग उत्पन्न कराना, सर्विस सेक्टर को इंप्रूव करना, कृषि क्षेत्र से लोगों को हटाकर सर्विस सेक्टर में लगाना ताकि तेजी से देश विकास कर सके। आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिति का मतलब, स्थिरता का मतलब है मंदी और तेजी को फेस करना अच्छे से। कोई भी देश इतना एलिजिबल, कोई भी देश इतना एलिजिबल होना चाहिए कि वो इन चीजों को फेस कर सके। जैसे कई बार कुछ देशों में मंदी आती है तो देश बिखर जाते हैं, वो चाहते हैं कि कोई दूसरे देश आके उनकी सहायता करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। खुद पे निर्भर होना चाहिए देश, और मंदी और तेजी का सामना करने के लिए उन पे इतनी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, कि वो खुद ही उन चीजों को फेस कर सके, ठीक कर सके, ठीक है। संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास, बैलेंस्ड रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि देखो भारत के अंदर कितने ही राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी, कितने जिले, कितने डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन सबका जो विकास है ना वो इक्वली नहीं है। शहरों का विकास तेजी से हो रहा है और गांवों का विकास बहुत धीरे हो रहा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गांव के लोग हैं शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छी इनकम के लिए। तो जब गांव के लोग सारे शहर आ जाएंगे तो गांव में रहेगा कौन, और गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो पैसे कौन कमाएगा, फैक्ट्री कौन लगाएगा, उद्योग कौन खोलेगा, वहां पर विकास कौन करेगा। तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास है ना वो तो होना ही होना है, बट कैसा होना चाहिए, संतुलित, मतलब सब इक्वली होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि शहर बहुत आगे निकल चुके हैं, गांव बहुत पीछे हो जाए। तो ये एक तरह से हमें ना लगेगा कि हाँ विकास हो रहा है, बट ये विकास नहीं होगा, क्योंकि देखो शहर का विकास हो गया, गांव बिना विकास हुए रह गए, तो फायदा क्या ऐसे विकास का, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वांगीण आर्थिक विकास, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि रिलेटेड, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड, और तृतीय क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र, यातायात, परिवहन वगैरह, ठीक है। तो सबका इक्वली विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सर्विस सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं तो हमारे कृषि का क्षेत्र पीछे पिछड़ गया है, ऐसा नहीं है सिर्फ उद्योगों पर ध्यान दे रहे हैं बाकी दोनों सेक्टर पीछे रह गए हैं। सबको इक्वली लेके चलना पड़ेगा अगर देश को विकास करना है। तो तकनीकी विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट, एक देश को दुनिया के अंदर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, अपनी पावर बनाए रखने के लिए, और हाँ अपने देश का तेजी से विकास करने के लिए टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। टेक्निकल डेवलपमेंट होगी कैसे, कि देश के अंदर लोग एजुकेटेड हो, टेक्निक को सीखे, हमारा
हमारे देश के अंदर नए नए उपकरण बने, ठीक है, उपकरण और टेक्निकल, जैसे डिफेंस में हमारा देश अब बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, स्पेस के मामले में हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है, तो इन चीजों के अंदर इक्वली विकास होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए ताकि देश तेजी से विकास कर सके। कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कृषि हमारे देखो हमारे देश की 50% से ज्यादा आबादी, 50 से 55% आबादी कृषि में लगी हुई है, इन्वॉल्व है, लेकिन उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नई अच्छी मशीनें नहीं है, अच्छे उपकरण नहीं है, ठीक है, जो किसानों को जरूरत होती है। एक तो कई बार क्या होता है, बारिश ही नहीं आती तो किसान उसे परेशान हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कृषि उत्पादन, ठीक है, तो कृषि उत्पादन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर, कृषि हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी क्यों बोला जाता है, बैकबोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे देश की ज़्यादातर आबादी कृषि पर डिपेंड है, ठीक है, तो इसका विकास बहुत ज़रूरी है। वैसे विकास अब हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि अब हम कृषि उत्पाद उत्पाद जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो यह अच्छी बात है हमारे देश के लिए। औसत आय, एवरेज एज, मैंने बताया था 1921 में हमारे देश के पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई थी, तो उस समय हमारे देश की जो एवरेज एज थी लगभग 19 साल हो गई थी, मतलब 19 साल एक एवरेज औसत आयु हुई है कि इतने लोग जी रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 19 साल के होते लोग मर जाते थे, नहीं, देखो कोई पैदा होते मर गया, कोई एक साल का होकर मर गया, कोई 2 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, तो सबको जोड़ के और डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, तो उससे निकलती है एवरेज एज। तो हम अब 1921 में हमारे देश की एवरेज एज लगभग 19 साल थी, ठीक है, जो कि 1951 में बढ़कर 32 ईयर्स, 32 साल हो गई। और हाँ, जो करेंटली डाटा है 2020 19 का, जो मैंने नेट पे सर्च करके कहीं ना कहीं रिसोर्स से ढूंढ कर देखा था, वो है 67.2, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। पुराने डाटा कंपेयर करें तो, हालांकि बाकी देशों की 90-95 है, जापान वगैरह की अच्छी एवरेज एज है, लेकिन हाँ अगर हम पुराने डाटा से कंपेयर करें तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप विदेशों से कंपेयर करें तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, ये तो मैंने बताया आपको, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया किस पर्पज से होते हैं, इस पर्पज से किया जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात और, अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूरा क्या था कि भारत में आर्थिक नियोजन क्या है समझाइए, और हमने इसमें किस किस हद तक सफलता प्राप्त करी है, ठीक है। तो देखो, अब आप पहले ये लिखोगे, फिर सफलता वाले पॉइंट्स लिखोगे, तो आपको बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसी इसी क्वेश्चन के अंदर कैसे करोगे आप पहले इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, जैसे आर्थिक विकास, फिर बता देना हाँ हमारे देश में आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन अभी भी विकास रहता है। आप बताओगे आत्मनिर्भरता, हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें कई सारे उत्पादन, कई सारे सामान बाहर से इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। आप बताओगे सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय में हम काफी आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी देखा जा सकता है देश में बेरोजगारी ज्यादा है, अभी भी देश में ना आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण है, ठीक है। आप बताओगे रोजगार, रोजगार के अवसर काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ अभी भी एक बहुत बड़ा जनसमूह बेरोजगार है देश के अंदर। आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी काफी हद तक प्राप्त कर ली है, लेकिन कई बार हमें से इसका सामना करना पड़ जाता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय विकास की तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन हाँ अभी भी कुछ हिस्सों में क्षेत्रीय विकास असंतुलित है। सर्वांगीण आर्थिक विकास, देशों ने हमारे देश में अर्थव्यवस्था में सरकार ने ध्यान दिया है सबके विकास के ऊपर, लेकिन हाँ अभी भी कुछ हिस्सा जो सरकार से दूर है उस पर ध्यान देना बाकी है। तकनीकी विकास, तकनीक के मामले काफी आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर विदेशों से कंपेयर करें तो अभी भी बहुत चीजें बाकी है। कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर में भी काफी हमने आगे स्टेप्स बढ़ाए, काफी आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर हम विदेशों से कंपेयर करेंगे तो अभी भी हमें बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। औसत आय, औसत आय अच्छी हो चुकी है, लेकिन अगर विदेशों से कंपेयर करेंगे तो अभी भी कम है। तो देखो, एक ही क्वेश्चन साथ दो क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप भी आत्मनिर्भर बने, चीजों को समझे, चीजों को देखे और इसको समझे, ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका देखे। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरी इंस्टा आईडी है, जीतू तनवर सी ए। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई पूछना है, कुछ समझ नहीं आता, तो मुझे जरूर मैसेज करना।
कर दीजिएगा, और मुझे फॉलो करना इंस्टा पे, ठीक है? मैं आपके लिए हाजिर हूँ 24/7। थैंक यू।